करण सिंह ग्रोवर 23 फरवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। करण ने टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया तक में अपना नाम कमाया है। करण सिंह ग्रोवर की प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा उनकी लव लाइफ चर्चा में रही है। 3 शादियां करके वो खूब मशहूर हुए हैं और उनकी पहली 2 शादियां बुरी तरह से विफल रही थी। हालांकि बिपाशा के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी से चल रही है और पिछले साल 12 नवंबर को अपनी बेटी के देवी का ही इस दुनिया में स्वागत किया गया। और करण सिंह 41 साल के हो गए हैं और ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ खास बातें। श्रद्धा निगम ने 2008 में टीवी अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी, लेकिन इसकी उम्र काफी कम थी और शादी के कुछ ही महीनों में दोनों के बीच तनाव की खबरें आने लगी। फिर 10 महीने में ही दोनों अलग हो गए। श्रद्धा निगम टीवी के कई सीरियल में नजर आ चुकी है। जोश, कृष्ण, अर्जुन और चूड़िया से श्रद्धा को इंडस्ट्री में पहचान मिली। करण से अलग होने के बाद श्रद्धा इंडस्ट्री को छोड़ अपनी अलग दुनिया बसाने में व्यस्त हो गई। करण से अलग होने के बाद ही साल 2012 में श्रद्धा निगम ने टीवी एक्टर मयंक आनंद से ही शादी रचा ली। फिलहाल करण और बिपाशा एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं और शादी के 6 साल बाद एक बेटी के माता पिता बने, जिसका नाम देवी रखा गया है। अक्सर एक दूसरे के साथ रोमांस करते नजर आते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो करण को आखिरी बार वेब सीरीज कुबूल है और 2.0 में देखा गया था।